ब्रह्मा कुमारीज की फिल्म द लाइट को गोवा के सीएम ने बधाई दी है और फिल्म द लाइट को देखने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है। दरअसल मंगलवार को फिल्म के प्रोड्यूसर और गॉडलीवुड स्टूडियो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बीके हरिलाल भानुशाली ने गोवा के सीएम प्रमोद सावंत से मुलाकात की और उन्हें फिल्म के उद्देश्य के बारे में बताया कि किस तरह यह फिल्म ब्रह्मा कुमारी के संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा और उनके द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के अभियान से जुड़ी हुई है। इस मुलाकात के दौरान बीके हरिलाल भाई के साथ गॉडलीवुड स्टूडियो की प्रोग्राम डायरेक्टर और फिल्म द लाइट की कोऑर्डिनेटर बीके शिखा बहन और टीवी सीरियल एक्टर एंड एंकर राज सिंह वर्मा भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। द लाइट फिल्म जो हमारे इफी में स्क्रीन हो गई है, वो जो प्रजापति ब्रह्मा कुमारी उन्होंने बनाई है, इसके लिए मैं बेस्ट विशेस। मुझे लगता है कि वुमन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी फिल्म है, हर एक ने ये फिल्म देखनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। वंस अगेन माय बेस्ट विशेस फॉर दिस मूवी द लाइट। आपको बता दें कि गोवा के सीएम एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा यानी ESG के प्रेसिडेंट भी हैं और हर साल ESG ही भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी NFDC के साथ मिलकर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ईफी का आयोजन गोवा में करती है। इस साल भी ईफी की ओपनिंग सेरेमनी में गोवा के सीएम ने शिरकत की थी तो भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस अवसर पर मौजूद रहे थे। Being the permanent venue for IFFI as a feather in the crown of Goa, and we are ensuring that year after year we have improved our capacity and stature as a host. गोवा के मुख्यमंत्री के प्रयास से ही ब्रह्मा कुमारी के एडिशनल चीफ बीके जयंती दीदी को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया था और खास उनके रुकने का प्रबंध सर्किट हाउस में किया था।